गांव से लेके गए हैं तो बताएंगे। वैशाली तो चली गई, उसकी कुछ यादें। हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ी को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार, मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। उत्तराखंड की सुंदर सी पहाड़ी वादियों के गरुड़ ब्लॉक से पुष्पा दोसांझ ब्लॉक में आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी ब्लॉक की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से, तो अभी चाय वगैरह मैंने पी ली है और अब आई हूँ मैं रूम की सफाई करने के लिए। वैशाली तो चली गई, उसकी कुछ यादें। उसने ये गुलदस्ता बनाया था और ऐसे कुछ फूल ना गुलदस्ता में सूख गए तो इतने प्यारे हो गए हैं। कह रही थी मम्मा इनको रख देना और कुछ बीज के काम आएंगे, और कुछ ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं कह रही थी। तो मैंने आज सोफ़ा कवर निकाल दिए हैं और इनको धो लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैले हुए हैं। तो ना साथियों, जो हमारे सोफ़ा है ना, ये पूरे 26 साल हो गए हैं इनको। तो ये मेरी शादी में पापा ने गिफ्ट किए थे। 10 साल के बाद जो इनकी ये गद्दियाँ हैं ना, ये पूरी ख़राब हो गई थी, ढीली हो गई थी। तो हमने ना ये गोट फेंक दिए थे, गाँव में ही थे तो ऐसे ही फेंक दिए थे। एक दिन किसी काम से मेरे ससुर जी गोड गए तो उन्होंने देखा ये तो क्लियर शीशम की लकड़ी है और इसमें न कोई दीमक लगा था न कुछ, और इनकी ना ये चमक बिल्कुल बरकरार थी। तो ये लकड़ी बहुत मजबूत थी, तो मेरे ससुर जी ने कहा कि आप लोग ना इसको फिर से न्यू कर सकते हो, बस जो ये गद्दी है इनको चेंज कर लो। तो फिर ये गद्दी चेंज की तो ये बिल्कुल न्यू जैसी हो गई है। कोई नहीं कहेगा कि आज 26 साल पुरानी है करके, तो आज भी इतनी आरामदायक और इतनी अच्छी हैं। और ना पापा की जो यादें हैं तो हमेशा के लिए मेरे पास एक गिफ्ट के तौर पे हैं। तो मैंने इस रूम की भी सफाई कर ली, तो 2 कमरों की सफाई मैंने कर ली है और मैं थोड़ा थक भी गई हूँ तो थोड़ा बैठ गई हूँ यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। और अभी 3 रूमों की सफाई और करनी है और बाथरूम वगैरह ये सफाई भी करनी है। तो मैं ना जितना होता है उतना ही करती हूँ, ये नहीं कि सब रोज़ सफाई करनी है सब रूम की। बस एक बैठक रूम को बना देती हूँ थोड़ा सा लोगों के आने जाने के लायक, और हर कमरा ऐसे अस्त व्यस्त रहता है। काम का तो क्या साथियों, वो तो कभी पूरा नहीं होगा, बस दिल में सुकून होना चाहिए कि हो जाएगा जो है ठीक है। तो हमारे पहाड़ों में ना अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ठंडा, इतना ठंडा हो रहा है कि अभी भी रजाई और एक एक कम्बल हमें ओढ़नी पड़ रही हैं, न जाने कभी ठंडा अब दूर होगा। तो अब जाती हूँ और फटाफट से बचा हुआ काम भी मैं अब अपना कर लेती हूँ। तो इन फूलों में मैं डाल लेती हूँ पानी। अभी मुझे लग रहा है कि ये 14 से 15 दिन और चलेंगे। ये वही फूल हैं जो शिवरात्रि के दिन ना जो बूबू वहाँ पे फूल बेच रहे थे, 2 तो हम भोले बाबा के लिए ले गए, 2 गुच्छे उनको चढ़ाने के लिए और 1 गुच्छा ना मैं घर को लेके आई। तो बस इनमें पानी डालती रहती हूँ हर रोज़, और ये अभी भी ना इतने अच्छे हैं, बिल्कुल जैसे कि अभी तोड़ के लाए हैं ऐसे लग रहे हैं।
तो अब मेरा नाश्ता वगैरह भी बन गया है और दोस्त जी को भी नाश्ता करा दिया है और मैं भी अब नाश्ता कर लेती हूँ और बच्चे थोड़ी देर में कर लेंगे अपने हिसाब से और फिर होती हूँ मैं फटाफट से ड्यूटी के लिए तैयार। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अभी हमें रास्ते में मिले बंदर जो कि खूब मस्ती कर रहे हैं, लगता है इनका पेट भरा है और बिल्कुल झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं ऑफिस। तो अभी आए हैं हमारे स्टेट से सोबित सर, तो वो अनीमिया मुक्त भारत पे हमें थोड़ा सा ट्रेनिंग दे रहे हैं और थोड़ा यहाँ से जानकारियाँ भी ले रहे हैं। तो आप लोग बने रहे हैं मेरे ब्लॉग में। तो वो बन के आ रहा है आप लोगों को, आप उसी कर दीजिए आप लोग, क्योंकि अंडर फाइव इसमें बहुत सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है। मंत्रालय से मीटिंग हुई थी भाई साहब, अभी आपसे पहले मीटिंग हुई थी। आपको नूडल फॉर्म की बात करूँ, पाँच नए फॉर्म और आ चुके हैं। आप UMB डैशबोर्ड आना, भारत सरकार का पोर्टल UMB डैशबोर्ड, उस पर 5 फॉर्म नए लॉन्च लग डालती है। अभी उनकी मीटिंग चल रही है, फिर उनके बाद में भेजेंगे, टाइम लगेगा चीज़ों को, लेकिन हमारा जो काम है वो काम करना है। सिलप हमें मिल चुका है, आगे सिलप को बांटते हैं। एक बोलते 6 महीने बच्चे सफिशेंट होती है, डायरी पूरी भरे, माँ बाप का नाम, बच्चे का नाम, किस डेट को हमने सिलप की बॉटल उसको दी, डेट आ गई। हफ्ते दो हफ्ते बाद अल्टरनेट उस पर हम विजिट भी कर रहे हैं भाई। कहीं भी दिक्कत आएगी फोटो ले, आपको समझा दूंगा चीज़ों को, समझ में आ रही है। गलत मैसेज ना जाए और दूसरा मैसेज ना जाए, बस ये बात मेन काम रहता है। तो आज फिर से है हमारे पीएल ग्रुप की ट्रेनिंग, तो सभी बच्चे आए हैं गांव स्तर से। तो अभी कितने आए हैं, कितने आने हैं, किस गांव से कितने आने हैं, वो संख्या लेने स्तर से ट्रेनिंग लेने के लिए, और जो ट्रेनिंग यहां से लेके गए हैं तो अपने गांव स्तर से बताएंगे। घर की ओर हो रहा है हम लोगों का प्रस्थान, मेरे जैसा तुम घर की ओर। तो मैं घर पहुंच गई हूँ, अब थोड़ा चाय वगैरह पी लेती हूँ, दुकान से दोस्त आजी को भी बुला लेती हूँ, और चाय पीने के बाद फिर करती हूँ मैं घर का काम। ने मंगाए हैं सामान और मेरे से कहा है कि इसको संभाल देना, देखती हूँ क्या क्या है। वाह, अचार मिक्स और गर्मियाँ आ गई तो हैंकी, कंघियाँ मंगाई हैं, साबुन
बर्तन बाहर, और एक अचार का डिब्बा ये वाला मंगाया है, दो अलग अलग हैं। इतना आइटम घर में जो आवश्यक चीज़ें हमारी ख़त्म हुई थी वो चीज़ें मंगाई हैं, अब मैं इनको रख देती हूँ। तो मैं आ गई हूँ दिया बाती करके, और आज रात की सब्जी की जिम्मेदारी दी है मैंने भानू को, और मैंने कहा था किचन में ये सब्जियाँ हैं तो बना लेना जो तुझे ठीक लगेगा करके। अब देखती हूँ उसने क्या क्या बनाया है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी ना हमें बच्चों को भी ज़रूर देनी चाहिए। जैसे बच्चों की अगर जैसे पढ़ाई हो जाती है, जो उनकी छुट्टियों वाला जो पीरियड होता है ना, उस बीच बच्चों को थोड़ी बहुत घर के काम भी सिखाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में उन्हें भी परेशानी ना हो और हमें भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो देखती हूँ मेरा भानु क्या कर रहा है। अभी रात का खाना बना रहा है भानु, देखती हूँ क्या क्या बना रहा है। क्या बना रहे हैं यहाँ है? अंडा कढ़ी। अच्छा, तो भानु बना रहा है अंडा कढ़ी। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ और यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।